अस्सलाम वालेकुम मीवर, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ जिसको आप बोल सकते हैं मीठी रोटी भी बोल सकते हैं, मीठी टिक्की भी बोल सकते हैं। वैसे हम इसको नाम देते हैं मोहिनी। ये मैदा है, इसमें ये छोटी इलायची डालिए और ये पानी है, इसमें चीनी डालिए, छोटी इलायची है। अब इसमें पहले हम ऑयल एक किलो मैदा है, इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन एक पाव। 1 किलो में तकरीबन इसमें जो घी डलेगा वो एक पाव तक। मिक्स करना है इसको। पूरे तरीके से मिक्स हो जाए ऐसे ऑयल और मैदा। एक किलो में पूरा एक पाव से भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए तेल। ये माशाल्लाह बनती है तो बहुत टेस्टी बनती है, चाय के साथ भी खा सकते हैं। और इसको ऐसे ही जैसे भूख लगे उसमें भी खा सकते हैं। इसमें हम देसी घी भी डाल सकते हैं, देसी घी अगर इसमें डालेंगे एक पाव से ज़्यादा तो उसकी खुशबू भी अच्छी आती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब उसमें जो मैं फ्राई पैन में इसको पकाऊंगी जब, तो उसमें देसी घी भी ऐड करेंगे। इसको मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ऐसे लगते हैं। मैदा भी इसमें बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, छान के अच्छी तरह से साफ। बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इलायची और चीनी का पानी डाल के रखा था, आटे को भूनेंगे। ये हमने आटे को अच्छी तरह गूंद के पेड़े बना लिए। अब ऐसे इनकी रोटी बनानी है। फिर एक अपनी नाप का गिलास ही ले ले, अगर सांचा है तो सांचा कोई ले ले, जिस तरीके से आप बनाना चाहें। ये जो है ये दूसरा आटा,
से करके रखे इस तरीके से बनेंगी। फिर इसमें छुरी से ऐसे निशान बनाने अंदर तक, इस तरीके से। अब इसको अलहदा करके रखते हैं इस तरीके से। अब ये दूसरा पेड़ा बन उठाएंगे, जैसे रोटी बनाएंगे घी में गरम, जैसे आप डाल दीजिए। आँच को हल्का रखना है, तब तक आप ये बना लें। अगर आप एक साथ बना के रखें वो आपकी मर्जी, इसमें डालते जाते हैं। ये पेड़ों को रोटियों की तरह बना के सारा, अगर ऐसे टिक्कियां बना के फिर आप इसमें डालती जाएं। हम तो इसमें साथ में कर रहे हैं, आप अलग से कर सकते हैं इसे, लेकिन इनको ज़्यादा देर रखना नहीं होता। जितना जल्दी ये बना सके उतनी जल्दी फ्राई पैन में डालना है तल के। टाइम भूनने के बाद जल्दी इसको बनाना होता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं रखते। ये इलायची, इलायची के दाने हैं। इसको ये हमने थोड़ी बना के रखी है, ये इस तरीके से बनेंगी। बहुत क्रेपची, ये देखिए चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मेहनत से बनती है। एक केजी में एक किलो मैदा होता है, एक किलो घी और 1.5 पाव चीनी। चीनी आप असली जायका भी रख सकते हैं, और 10 अदद इलायची होती है, यही क्वांटिटी इसमें खा सकते हैं। पहले 1.5 पाव जो ऑयल होता है वो इसमें पहले ऐड होता है, जिसमें आटे को बनाते हैं। उसके बाद बाकी जो 1 किलो से बचता है ऑयल वो इसमें डाल के तलते हैं। बहुत पिए, यहाँ पे बहुत लोग पसंद करते हैं। एक दफ़ा जो भी खाता है उसको बहुत पसंद आती है। तो व्यूवर्स, आज ये मेरी अम्मी आई थी, उसने मिट्टी टिक्कियाँ ये बनाई हैं, जिसको हम सिंधी में हम मोहिनी बोलते हैं, और यहाँ पर यहाँ के हैदराबाद के जो लोग हैं वो मीठी टिक्कियाँ बोलते हैं। तो आज ये मैंने अम्मी से बनवाई है, बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आपको भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अम्मी ने 1 किलो घी लिया था, और अम्मी ने आपको रेसिपी तो सारी दिखा दी है। तो 1 किलो घी में से जो है 1.5 पाव जो है आटे में जाता है, बाकी जो तेल होता है उसमें ये फ्राई होती है। तो व्यूवर्स, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अम्मी को हमें सबको दुआओं में याद कीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, अभी काम चल रहा है, ये अभी कुछ हमने बनाई हुई है, और ये एक डिश जो है वो रेडी हो चुका है। तो व्यूवर्स, इसी वीडियो के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो पोस्ट की है, सो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।